नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं टूल बॉक्स चैनल। आज हम लोग जानेंगे पिन बूस्ट फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में कि ये क्या होता है और इसका क्या पार्ट होते हैं, इसमें बूस्ट कैसा होता है और अपडेट कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब। यह एक मोटर है, इसे अलाइनमेंट करने के लिए मैंने खोला है और जैसा कि आप देख रहे हैं इसे चैन ब्लॉक के सहारे हमने उठा के रेस्ट करके रखा है। इसमें ये गियर बॉक्स है और ये आपका पिन बूस्ट फ्लेक्सिबल कपलिंग है। आइए देख लेते हैं हम लोग पिन बूस्ट फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में और इसका पिन बूस्ट में क्या क्या पार्ट्स हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं ये बूस्ट है। बूस्ट को लॉक करने के लिए एक वाशर है, वाशर के बाद में ये सर क्लिप है जो कि ये पिन को, पिन के ऊपर में एक ग्रुप कटे हुए होते हैं उस ग्रुप में ये लॉक होता है। सर क्लिप, वाशर डाल के सर क्लिप लगाने से ये बूस्ट जो है लॉक हो जाता है। और ये इसका जो ये है फ्लेक्सिबल साइड है और इस साइड में आप आके देखेंगे तो ये फिक्स साइड पिन है। पिन को लॉक करने के लिए एक नट, एक वाशर है और वाशर के बाद में ये सर्क्लिप, जो सर्क्लिप है पिन के ग्रुप में लॉक होता है तो आपका जो पिन को फिक्स करके रखता है। कहीं कहीं आप दूसरे टाइप का भी, नट बोल्ट टाइप का भी, इस टाइप का आपको लॉकिंग के लिए नट बोल्ट रहता है, इस टाइप का भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और कपलिंग में आपका ये जो बड़ी वाली होल रहती है ये फीमेल होल है। इसमें दोनों कपलिंग में मेल और ये फीमेल फीमेल होल है और ये जो जहाँ बुश लगा हुआ है ये साइड से आप देख पा रहे हैं ये छोटी होल है, ये मेल होल है। आपका दोनों कपलिंग में मेल और फीमेल होल दोनों में है। मेल, इसमें भी आपका ये मेल होल है और इसमें फीमेल होल है। आपको कहीं कहीं कपलिंग में, एक ही कपलिंग में आपको एक साइड में केवल मेल रहता, मेल होल रहता है और दूसरे साइड में फीमेल, जो बड़ी वाली होल है, बड़ी वाली होल रहता है। इस कपलिंग में आपको एक ही साइड में मेल और फीमेल दोनों होल दिया हुआ है और ये आपका बिंच मशीन को ड्राइव मोटर के सहारे करेगा। ये आपको मोटर जब स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से कपलिंग को घुमाएगा। तो इस तरह से आज हमने आपको पिन बूस्ट पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में समझाया है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।